So, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today we are going to solve a question on value at risk. This is the question from new syllabus study material of institute, and this question is based on the value at risk of a portfolio, not a single security, of a portfolio. So, दोनों का तरीका अपना बदल जाएगा कैलकुलेट करने का. एक पोर्टफोलियो का जब आप VAR निकालोगे तो फॉर्मूलेस क्या होंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के साथ में. लेट्स हैव अ डिस्कशन. कंसिडर अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 200 लाख इन्वेस्टमेंट इन शेयर XYZ. एक पोर्टफोलियो आपने बनाया जिसमें 200 लाख का इन्वेस्टमेंट किसमें है, XYZ में है, और 200 लाख का इन्वेस्टमेंट किसमें है, ABC में है. So, इस तरह से 400 लाख का आपका पोर्टफोलियो जिसमें दो शेयर्स है, इक्वल प्रोपोर्शन में आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. द डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ शेयर्स इज 1% एंड दैट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज 0.3. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द 10-day 99% वैल्यू एट रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो. सो निकालना क्या है, वैल्यू एट रिस्क कि कितना आपको नुकसान हो सकता है. ठीक है, सो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं इसको. अगर हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ में निकालते हैं तो मान लो अगर आंसर आपका आता है 20 लाख, फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि आंसर अगर आपका आता है 20 लाख रुपए का रिस्क है, यानी कि 1% चांसेस ऐसे है, ध्यान देना, 1% चांसेस ऐसे है कि आपका नुकसान 10 दिन में 20 लाख से ऊपर होगा, 20 लाख या उससे ज्यादा होगा. दूसरे तरीके से इसी चीज को अगर मैं बोलूं तो 99% चांसेस ऐसे हैं कि 10 दिन में आपको नुकसान 20 लाख तक का हो सकता है. मैंने क्या बोला, 20 लाख तक का, यानी 20 लाख या उससे कम. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एट रिस्क, हाउ टू कैलकुलेट इट. देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस. अगर किसी भी एक, अच्छा, अल्टीमेट फॉर्मूला इज दिस ऑफ वैल्यू एट रिस्क कि एट 99% व्हाट इज द जी स्कोर एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 डेज. ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 डेज. जी स्कोर के लिए आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल की जरूरत है. इस क्वेश्चन में 99% दिया हुआ है जी स्कोर. अच्छा, वैल्यू एट रिस्क में क्या होता है, एक जनरल अजम्पशन है कि रिटर्न्स जो है सिक्योरिटीज के, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. सो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपकी टेबल वैल्यू जो जी स्कोर होंगी वो इस तरह से होती है. अगर 99% है, ठीक है, तो आपके जी स्कोर की वैल्यू है 2.33. 95% है तो 1.645, 90% है तो 1.28. ये तीन ही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे आपको ये तीन ही आप मिलेगा क्वेश्चन में, 99, 95 और 90%. ठीक है, सो 99% पे 2.33 स्टैंडर्ड डेविएशन इज द आंसर. सो हम ये यूज करेंगे. सो द वैल्यू इज 2.33. अब मल्टीप्लाइड बाय करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा और ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा. लेकिन अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 दिन का चाहिए तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिन का और उसको मैं स्क्वायर रूट करूंगा टाइम टी से. अब ये फॉर्मूला सर याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. 1 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिन का निकालो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. लेकिन ये स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हो? टी के जगह तो 10 रख दोगे, लेकिन एसडी के जगह भी 1 डे का स्टैंडर्ड डेविएशन रख दोगे, लेकिन स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हो? अब इसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है कि आप नॉर्मल फिगर्स नहीं निकाल रहे हो, आप रिस्क निकाल रहे हो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा तो हम पहले वेरिएंस निकालते हैं, उसको स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा. जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, अगर मैं उसको दूसरे तरीके से लिखूं तो आपको शायद फॉर्मूला समझ में आएगा. अगर मैं आपको दूसरे तरीके से लिखूं तो वो इस तरह से होगा कि पहले आप वेरिएंस निकालो 1 दिन का. सो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 to the power 2 का मतलब हो गया 1 दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि 1 दिन का वेरिएंस कितना है. वेरिएंस निकाल लिया,
अब उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करो ना, वराइंस को 10 दिन से मल्टीप्लाई करो, द क्वेश्चन इज दिस, ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन को, वराइंस को 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपको 10 दिन का वराइंस मिलेगा, 10 दिन का वराइंस मिलेगा, उसको स्क्वायर रूट कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। ये तो पता है कि वराइंस को स्क्वायर रूट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो फाइनल फिगर जो आप कैलकुलेट करो दैट शुड बी इन वराइंस। स्टैंडर्ड डेविएशन भी नॉर्मली जब आप भी सिक्योरिटीज का कैलकुलेट करते हैं तो भी आप सबसे पहले वराइंस निकालते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अब इसी फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दोगे, इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट अगर देखो तो अंदर में स्क्वायर है, बाहर में स्क्वायर रूट है, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और फाइनल इसका आंसर क्या बचेगा पता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे स्क्वायर रूट ऑफ टी, जो कि मैंने ये यहाँ पे लिखा। डिराइव कैसे हुआ ये तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला धीरे धीरे और आप आगे डिस्कस करेंगे, मैं फिलहाल इतना छोड़ता हूँ, ये वापस आएंगे इन फॉर्मूलेस पे क्योंकि फिगर्स हमने अभी तक लिखी नहीं है। सो मेरे को अभी अंडर रूट टी यानी कि अंडर रूट 10 मिल गया, क्योंकि 10 दिन का VAR निकालना है, 10 दिन का, तो अंडर रूट 10 लिख दिया। अब बाहर में क्या चाहिए? सर 1 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन आया तो 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, उसको ऊपर रख दोगे तो आपको 10 दिन का VAR मिल जाएगा, कि मतलब कितना नुकसान हो सकता है आपको 10 दिन में, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी पेंडिंग रख देता हूँ। अब क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन आती है मतलब क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे निकालना है आपको। अब अगर सिर्फ एक सिक्योरिटी होती ना, सिर्फ एक सिक्योरिटी, तो क्वेश्चन में आपको दो सिक्योरिटी दी हुई है और ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। ध्यान अगर देंगे वापस से तो सेकंड लाइन पढ़िएगा, सेंटर जो सेकंड सेंटेंस शुरू हो रहा है, मैं मार्किंग करता हूं लगे तो, द डेली, ध्यान देना डेली यानी कि 1 दिन, डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ शेयर इज 1%। अगर मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ एक ही शेयर होता तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन था 1%, बस खत्म, इसको मैं ऊपर रखता, ऊपर से फिर वहां रखता और फाइनल आंसर आ जाता। लेकिन नहीं, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिन का सिर्फ एक सिक्योरिटी का नहीं निकालना, पूरे पोर्टफोलियो का निकालना है, पोर्टफोलियो का निकालना है जिसमें दो असेट्स है, दो सिक्योरिटीज है। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो थ्योरी वाले चैप्टर में हमने ये देखा है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट चैप्टर एंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वेयर वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव सीन की किस तरह से कैलकुलेट करते हैं टू सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का रिस्क। अब मैं आपको अगले स्टेज पे ये डिस्कस करता हूं पहले। जब भी कभी दो सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, अच्छा डिनोट कैसे करते हैं हम उसको, इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालते हैं, लेट्स से ए बी, ठीक है, तो हम ये कैसे निकालते थे याद है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी, और फिर होता था इन सब का स्क्वायर रूट। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा तो हमारे केस में क्या होगा? सेम फॉर्मूला यूज होगा, द सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमको भी पोर्टफोलियो वैल्यू एट रिस्क, रिस्क के बेसिस पे हमको वो वैल्यू निकालनी है जो हमारा नुकसान जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो ध्यान देंगे इस चीज पे। अब मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्यों? क्योंकि जब हम ये निकालते थे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में होता था, ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में होता था ये सब, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, हमारे क्वेश्चन में हम वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि रुपीज में है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रुपीज लिख रहे हो यहाँ पे, लेट से 2 लाख रुपए, 20,000 रिस्क है स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ए का, तो ये जो वी ये आ रहा है ना, इतना पार्ट आ रहा है ना आपका, इट ऑलरेडी कवर्स द वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। अब 20,000 इनटू वेट करने की जरूरत नहीं। सो मेरा लॉजिक ये बोल रहा है कि, एक सेकेंड ना, इसको मिटा देते हैं,
तो मेरा ये बोलना है कि जब आप परसेंटेज में लेते हो तो वेट से मल्टीप्लाई करते हो, दैट्स ऑल ओके, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट अ सिंगल परसेंटेज एट द एंड बाहर में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप वेट ऑलरेडी ले रहे हो, तो ये जैसे 200 लाख है, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, आपका यहाँ पे हर सिक्योरिटी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, 200 लाख है, और 200 लाख पे कितना परसेंट रिस्क है, 1% रिस्क है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 2 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 2 लाख रुपए ही मैं यहाँ पे रखूंगा मेरे वाले फॉर्मूले में, आगे मैं बताता हूँ। 2 लाख रुपए आप ऑलरेडी जब कैलकुलेट कर चुके, तो अब वेट लगाने की जरूरत नहीं, सॉरी, 200 पे 1% 2 लाख, 200 पे 1% 2 लाख, ठीक है, 400 पे 4 लाख हो रहा है प्रॉपर। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये अगर मैं 2 लाख यहां से उठा रहा हूं, तो 2 लाख को और, ध्यान देना, 2 लाख को और वेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं। ये तो ऐसा हो जाएगा 0.50 1 लाख, 0.50 1 लाख, टोटल हो जाएगा 2। जबकि ऐसा है क्या, 400 का पोर्टफोलियो है, 1% है, तो आंसर कितना आना चाहिए, 4 लाख रुपए। वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 लाख आएगा, मतलब आधे का आधा कर दिया। यानी मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप 2 लाख ऑलरेडी ले रहे हो, तो ये वेट कंसिडर इसमें हो चुका है। सो इसीलिए मेरा फॉर्मूला अब वैल्यू एट रिस्क के लिए कैसे चेंज होगा, ध्यान देना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी आर ए बी। मैंने क्या किया, वेट्स हटा दिए, क्योंकि मैं अब फिगर्स वैल्यू एट रिस्क के लिए फिगर्स रुपीज में लूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर अस, जिसमें ऊपर वाले फॉर्मूले और नीचे वाले फॉर्मूले में सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि वेट्स नहीं है। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर रख देता हूं, ध्यान देंगे एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, पहली कंपनी कौन सी है हमारी, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई जेड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी सी, और आर यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। फिगर्स रखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई जेड, 1% इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन 200 लैक्स। तो मैं यहाँ पे लैक्स में कैलकुलेट करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि बी जो सॉरी एबीसी में भी इन्वेस्टमेंट 200 लाख का है, उस पर भी 1% 2 लाख होता है, एक्स वाई जेड में भी इन्वेस्टमेंट 200 लाख का, उस पर भी 1% 2 लाख होता है, प्लस 2 इंटू 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 0.30, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर निकालते हैं अपन, 2 और 2 4 और 4 16 8 3 24 10.4, सो दिस इज अंडर रूट 10.40। यह आपका आ गया वरायंस। जब तक स्क्वायर रूट नहीं करते, तब तक जो फिगर होती है उसको बोलते हैं वरायंस, 10.40 इज द वरायंस, ठीक है, आ गया। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, अगर आपको स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट ले लो। मैं अगर दोनों फॉर्म में आपको सॉल्व करके बता दूंगा, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट ने किया, और थोड़ा लॉजिकल हो तो वो भी। मैं अगर यहां लू, ध्यान देना, तो मैंने अभी वरायंस निकाला, मैं 10.40 अंदर लिख सकता हूं ऐसे 10, ठीक है। चाहिए तो आप स्क्वायर रूट निकाल लो इसका, सो ध्यान देंगे 10.40 और स्क्वायर रूट का मैंने बटन दबाया तो 3.22 आ रहा है। सो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है तो ये 3.22 यहाँ आ जाएगा, मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये 3.22 यहाँ आएगा, और अगर वरायंस लेना है तो ये यहाँ आएगा। चलो हटा दो मार्किंग, बहुत किचपिच हो जाएगी नहीं तो, और आंसर कैलकुलेट करते हैं। मैं सबसे पहले बाहर वाला आंसर कैलकुलेट करता हूँ, 10 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3.22 गिव्स मी द आंसर ऑफ 10.18, ठीक है। अंदर ले लेते हैं 10.40 × 10, 104 का स्क्वायर रूट 10.20, इतना डिफरेंस आएगा स्क्वायर रूट करने की वजह से, इतना हमको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। सो ये आपका आंसर, आप इस तरह से कैलकुलेट करो, इस तरह से कैलकुलेट करो, 10.18 आया, 10.20 आपका आंसर आ रहा है।
अब मैं और ऊपर जाता हूँ, अगले ऊपर वाली स्टेप पे ध्यान देंगे। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन रख देता हूँ यहाँ पे 10.18, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 23.72। 23.72 क्या है ये? लैक्स रुपीस। दिस इज द वैल्यू एट रिस्क फॉर 10 डेज। दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द एंटायर आंसर। मैं समराइज करता हूँ, ठीक है? ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला पोर्टफोलियो का, ठीक है? मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला पोर्टफोलियो का, वो आया था हमारा कुछ 3.22। यहां से कहानी बन सकती थी अगर हमको सिर्फ एक दिन का VAR निकालना होता, तो मैं क्या करता। यहां से मैं दो क्वेश्चन ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। और अगर आपको सिर्फ 1 डे का VAR निकालना होता और अगर आपको 10 डेज का VAR निकालना होता, दोनों तरीके से मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। अपना क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, ठीक है? अच्छा, 1 डे का VAR, दोनों केस में 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है? तो जो जी स्कोर की वैल्यू हो गई ना, जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, 1 डे का लगेगा, जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 10 डेज का लगेगा, बस यही दिक्कत है। अब जी स्कोर कितना है, हमने देखा 2.33। आपको या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो एटलीस्ट तीन फिगर्स आप याद कर लो। 99 पे 2.33 वैल्यू होती है, 95 पे 1.645 और 90 पे 1.28। मोस्टली चांसेस है क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये 3.22 करता और आपका एक दिन का VAR आ जाता 2.33 × 7.50, ठीक है? एक दिन का VAR आपका आ जाता और कहानी खत्म हो जाती। दिस इज रुपीज इन लैक्स, ठीक है? ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये VAR नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन अगर हमको यहां से करना है, 10 दिन का करना है, तो 2.33 जी स्कोर की वैल्यू सेम है, लेकिन 10 दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। हमारे पास एक ही दिन का है, तो 10 दिन का निकालने के लिए हमने एक और स्टेप आगे बढ़ाई थी, वो थी कुछ इस तरह से कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 डे इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे डिवाइडेड बाय, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टी। दूसरा फॉर्मूला भी था। अच्छा, एक दिन का कितना सर? 3.22 अंडर रूट टी किया 10 दिन, तो आपका आंसर आया था 10 दिन का 10.18। अच्छा, 10 पॉइंट, हाँ सही बात है, 18। तो 10 दिन का हमने ले लिया 10.18 और आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट्स 23.72 लाख। ठीक है, तो आपको 1 डे VAR समझ गया, 10 डे VAR समझ गया। क्वेश्चन में 10 दिन ना पूछते हुए 1 डे पूछता तो भी क्या आंसर निकालना, ये भी समझ गया। मैं आपको क्रॉस चेक भी करके बताता हूं, ठीक है? इन दोनों का रिलेशन, VAR ऑफ 10 डेज इज नथिंग बट VAR ऑफ 1 डे अंडर रूट टी, सेम। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 7.50 अंडर रूट 10, 10 का स्क्वायर रूट इंटू 7.50, 23.72, सेम चीज, ठीक है? तो मैं फॉर्मूलेज आपको वापस से समराइज कर देता हूं। थर्ड लिख लेते हैं। अच्छा, पहला फॉर्मूला देख लो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 × स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू आर ए बी। सेम फॉर्मूला है ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो रिस्क निकालते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। द ओनली थिंग इज इसमें वेट्स नहीं है, वेट्स नहीं है, बिकॉज हम वैल्यूज रुपीज में ले रहे हैं। ये 1 डे का है, अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 10 दिन का चाहिए पोर्टफोलियो का, तो बहुत ही सिंपल, एक दिन का ले लो अंडर रूट टी, या फिर बहुत ही बेसिक, अगर या फिर मैं आपको रूट से बताता हूँ ना, वेरिएंस लो एक दिन का और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। इसी का मतलब होता है, अगर आप सॉल्व करोगे तो एक दिन
का स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चलेगा। थर्ड पार्ट वी ए आर 10 डेज का चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 डेज का चाहिए, इतना तो कंफर्म है। वी ए आर 1 दिन का चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिन का चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय जी स्कोर। जी स्कोर के लिए आपको क्या लगेगा, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ताकि उसकी वैल्यू आपको पता हो। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू एट रिस्क। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ये था आपका, क्या बोलते हैं, 23.72। लैक्स, यानी कि इसका मतलब क्या, चलो इंटरप्रेट करते हैं। 10 दिन में 1% चांस ऐसा है कि आपको 23.72 या उससे ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी तरीके से बोलो तो 99% चांसेस ऐसे हैं कि 23.72 लाख रुपीस तक का नुकसान होगा 10 दिन में। सो दिस इज द वैल्यू एट रिस्क, द लॉस, मैक्सिमम लॉस एट 99%, मिनिमम लॉस एट 1%। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, यू कैन पोस्ट मी द डाउट्स ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। बाय बाय।